कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया हुआ एक एक वोट बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा है। और जो तस्वीरें आज हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर वो खड़े हुए हैं, ऐसी तस्वीरें हम लोग रांची की देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सांघवी। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में बिहार में तीन चरणों का मतदान होना था, जिसमें दो चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और जो तीसरे चरण का मतदान है यानी कि 7 नवंबर को होने वाला है, जिसको लेकर नेताओं के पास आज आखिरी मौका है चुनाव प्रचार करने के बाद। इसके बाद नेता शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे, चुनाव प्रचार में ब्रेक लग जाएगा, थम जाएगा। इसी कड़ी में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार के सभी योजनाओं की जांच की जाएगी, साथ ही साथ शराबबंदी की भी जांच की जाएगी, उसमें जो जांच होगी जिसमें नीतीश कुमार को जेल जाना ही होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का दिया एक एक वोट बिहार को बर्बाद कर सकता है। विशेष क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आप खुद सुनिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा शायद ही कोई। निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, राजस्व हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को हम लोग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हर क्षेत्र का हम लोगों ने उसमें प्रमुखता से हम लोगों ने जिक्र किया। पुनः दोहराऊंगा, एक भी वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जाएगा वो बिहार को बर्बादी की कगार पर लेकर जाएगा। कल को अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों को बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़े, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने मेरे पत्रकार साथी यहां पर मौजूद हैं, कल को आप लोगों की पहली प्राथमिकता होगी आपके बेटा हो बेटी हो जो भी थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाएगा, पढ़ाना लिखना चाहेंगे आप उसको सीधा दिल्ली भेजेंगे, मुंबई भेजेंगे। 10वीं के बाद तो गलती से भी कोई यहाँ पर रखना नहीं चाहेगा, सीधा बाहर भेजेंगे और वो वहाँ पर जाएगा, वहीं पर उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करेगा, उसके बाद रोजगार करेगा, उसके बाद वहीं पर शादी करेगा, बच्चा करेगा और बुढ़ापे में जब आप लोगों की तबीयत खराब होगी तब यहाँ पर आया करेगा आपका हालचाल जानने, या होली छठ दिवाली पर आया करेगा हालचाल जानने। बिहार से इस पलायन की व्यवस्था को, ये जो सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को रोकने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों का हारना बहुत जरूरी है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हारना बहुत जरूरी है, इनकी वजह से बिहार बर्बाद हुआ, भ्रष्टाचार में डूब गया, बिहार की बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा आप सबके माध्यम से कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया हुआ एक एक वोट बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। अब कोई सवाल